हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग ISO OSI लेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कि जो ISO OSI लेयर है, इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। और ये जो ISO OSI लेयर है, ये हमारे नेटवर्क के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ अच्छे से जानते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग वी आर गोइंग टू मेक दिस वीडियो इन डिफरेंट पार्ट्स। काफ़ी हम इस वीडियो को हर एक लेयर को एक एक पार्ट के अंदर हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि एक लेयर का काम क्या है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ डेटा लिंक लेयर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डेटा लिंक लेयर के अंदर हम क्या क्या करते हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर हम बताएंगे नेटवर्क लेयर के अंदर हम क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि हर एक लेयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ताकि हमारा जो कंप्लीट जो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हम आगे बढ़ सकें। जैसे कि हम इससे पहले डेटा लिंक लेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि नेटवर्क लेयर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज वो सभी चीज़ें डिपेंड करेगी नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। तो जिस तरह के नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे टॉपिक्स को करेंगे। देखिए, इस डायग्राम के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हैं हमारे पास। लेयर्स है फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इन सभी लेयर से होता क्या है, यहाँ पर ये जो सभी लेयर है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरीके से अगर आपने कोई मैसेज बनाया, लेट अस सपोज कि आप व्हाट्सएप, एक जो एप्लीकेशन है, एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है जिसको आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप जो एक मैसेज बनाएगा, व्हाट्सएप इज करंटली वर्किंग इन द एप्लीकेशन लेयर, और व्हाट्सएप जो एक मैसेज बनाएगा, लेट अस सपोज ये हमारा एक मैसेज पैकेट है, वो हम उसको बाकी सभी लेयर के थ्रू हम उसको ट्रांसमिट करेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन लेयर से जो हमारे पास मैसेज आएगा, वो सबसे पहले जाएगा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ऑब्वियसली दीज थ्री लेयर्स आर कंसिडर्ड एज वन। हम जनरली इनको एक साथ ही कंसिडर करते हैं इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो अब जो मैसेज हमारे पास आया है, हम उस मैसेज को देंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर फिर उस मैसेज को देगा नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर से मैसेज आएगा डेटा लिंक लेयर पे, और डेटा लिंक लेयर से फिर वो मैसेज आएगा हमारे पास फिजिकल मीडियम के थ्रू। और ये जो सभी बीच में हमारे पास दिख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क, फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क, ये सभी लेयर्स हमारे पास जो इंटरमीडिएट राउटर्स हैं या फिर जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, ये उनके अंदर होती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये कंप्यूटर्स हैं, इन कंप्यूटर्स के अंदर वी इम्प्लीमेंट ऑल द लेयर्स, बट जो हमारे पास राउटर्स हैं इन बिटवीन, जो पाथ में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, उन राउटर्स के अंदर वी ओनली इम्प्लीमेंट थ्री लेयर्स, विच आर फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। फिर उसके बाद जब रिसीवर के पास ये सभी, जब ये डेटा पैकेट रिसीव होगा, तो रिसीवर किस तरीके से उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद डेटा लिंक लेयर से किस तरह के हेडर्स को निकाला जाएगा, फिर नेटवर्क लेयर से किस तरह से हेडर्स को निकाला जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से किस तरह से हेडर्स को निकाला जाएगा, हम इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी जो हमें डिस्कस करना है, वो है नेम ऑफ दिस डेटा पैकेट्स। जैसे कि अगर आप चेक करेंगे, हमारे पास अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, जिसके अंदर तीन पार्ट हमारे पास आते हैं, वो है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। और ये तीनों लेयर्स मिलकर हमारे पास कोई डेटा या फिर कोई मैसेज क्रिएट करती हैं। अब उस डेटा यूनिट को हम बोलते हैं मैसेज, उस डेटा यूनिट को हम बोलते हैं मैसेज। जब वो मैसेज एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जाता है, तो उसी डेटा पैकेट को, देखिए पैकेट जो है, पैकेट इज़ अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म। अगर कोई भी डेटा पैकेट कहीं पर भी है, वो अगर नेटवर्क लेयर में है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे है, चाहे वो डेटा लिंक लेयर पे है, चाहे वो फिजिकल लेयर पे है, किसी भी लेयर पे, वी कॉल इट एज अ पैकेट बिकॉज इट इज़ अ वेरी जनरलाइज्ड, इट इज जनरलाइज्ड। ओके, लेकिन एक लेयर के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट लेयर में, इस पैकेट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और डेटाग्राम। इफ़ यू आर यूजिंग यूडीपी, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज अ डेटाग्राम। अगर हम टीसीपी की बात कर रहे हैं, तो हम उसको सेगमेंट बोलते हैं। और जब वो पैकेट ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर के अंदर जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट लेयर के पास अगर कोई मैसेज आएगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस मैसेज के अंदर अपने एक हेडर्स को लगा देगा। अब वो जो हेडर्स के साथ जो कंप्लीट ये मैसेज बना है, हम इस मैसेज को देंगे नेटवर्क लेयर पे, और नेटवर्क लेयर फिर इसके साथ अपना एक हेडर जोड़ देगा। ये मैसेज है, ये हेडर है, उसके बाद नेटवर्क लेयर इसको अपना एक हेडर इसके अंदर जोड़ेगा, और फिर उस पैकेट को हम बोलेंगे डेटाग्राम। सो जब भी मैं डेटाग्राम की बात करता हूँ, वेन एवर आई टेक द नेम ऑफ अ डेटाग्राम, तो यानी कि हम उस पैकेट की बात कर रहे हैं जो कि अभी नेटवर्क लेयर के अंदर है।
अगर मैं कभी भी सेगमेंट या की बात कर रहा हूँ, यानी कि हम उस पैकेट की बात कर रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे है, यानी कि टीसीपी के केस में, बिकॉज हम लोग टीसीपी के ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, यूडीपी के ऊपर काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम लोग टीसीपी के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर जो पैकेट है नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर के पास जाता है, देन दैट पैकेट इज कॉल्ड एज ए फ्रेम। तो इस पैकेट को हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द MTU of the network, that is called as maximum transmittable unit. अब ये maximum transmittable unit होती क्या है, इसके बारे में हम बाद में discuss करेंगे जब हम इन details की working को एक तरह से पढ़ेंगे कि सभी details एक दूसरे किस तरीके से work करती हैं। तो जो data link layer के अंदर हम उस packet को बोलते हैं frame, और उसके बाद जब वो packet जाता है physical layer में, यानी कि वो packet हमारे पास physical link के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, चाहे वो फिजिकल लिंक आपका फाइबर ऑप्टिक्स हो, चाहे वो फिजिकल लिंक आपका एक मैग्नेटिक केबल हो, किसी भी तरह का जो फिजिकल लिंक है, उस केस में हम उस मैसेज को स्ट्रीम ऑफ बिट्स, यानी कि हम उसको स्ट्रीम के अंदर इस तरीके से हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ बिट्स। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि किस लेयर में हम उस पैकेट को क्या नाम देते हैं। जैसे कि अगेन नेटवर्क लेयर के अंदर हम उसको डेटाग्राम बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर के अंदर हम उसको फ्रेम बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम उसको सेगमेंट बोलते हैं, और उसी तरीके से अगर वो फिजिकल लेयर में है तो हम उसको स्ट्रीम ऑफ बिट्स की संज्ञा देते हैं, या फिर स्ट्रीम ऑफ बिट्स उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हमारे पास सबसे जो पहली लेयर आती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल लेयर। अब ये जो फिजिकल लेयर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली चीज तो है, फिजिकल लेयर इज द लोवेस्ट लेयर। As you can see, it is the lowest layer of ISO-OSI model, lowest layer of ISO-OSI model, and is concerned with the transmission and reception of the unstructured raw bit stream over a physical medium. ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो भी मैसेज हमारे पास बाकी लेयर से आएगा, मैसेज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा लिंक लेयर से कोई मैसेज आया, जब उस मैसेज को हम ट्रांसमिट करेंगे फिजिकल मीडियम के थ्रू, तो फिजिकल मीडियम किस तरह के हो सकते हैं? वी कैन यूज अ वायर्ड मीडियम और वी कैन यूज अ वायरलेस मीडियम। वायर्ड मीडियम के अंदर जिस तरीके से हमारे पास एक है ऑप्टिकल फाइबर, हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के अलावा जिस तरह से हम पहले टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते थे, जिसके अंदर वी यूज कोएक्सियल केबल एक्सेट्रा, तो जो डेटा है उस तरीके से वहाँ पर ट्रांसमिट होगा। अब जो फिजिकल मीडियम है वो इस चीज़ से कंसर्न है कि उस डेटा को उस फिजिकल मीडियम में किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाए और उस डेटा को किस तरीके से रिसीव किया जाए, क्योंकि जो डेटा है वो एक रॉ बिट स्ट्रीम यानी कि इस तरीके से हमारे पास ट्रांसमिट होगा, तो किस तरीके से इसको फिजिकल मीडियम में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि फिजिकल मीडियम अगर जिस तरह का मीडियम है उसके अकॉर्डिंग हमें सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर फर्दर उसको किस तरीके से रिसीव किया जाए। जैसे कि अगर हमारा फिजिकल मीडियम एक कोएक्सियल केबल है, तो उस केस में हम डेटा को जीरो और वन की फॉर्म में सेंड नहीं करते, दैट इज बिट फॉर्म में सेंड नहीं करते। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमारे पास कुछ BSNL वगैरह के टेलीफोन हुआ करते थे, लैंडलाइन टेलीफोन, तो उन लैंडलाइन टेलीफोन्स को हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट नहीं किया था, बिकॉज इनकेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर वी ट्रांसमिट द डेटा इन टर्म्स ऑफ बिट। लेकिन उस समय पर हमारे पास कोएक्सियल केबल हुआ करती थी, या जो भी हमारे पास केबल हुआ करती थी, तो जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म्स यानी कि वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता था। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई डेटा मैसेज आता है विच इज़ इन द बिट स्ट्रीम, बिट फॉर्मेट में, हमें उस मैसेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यानी कि वेव फॉर्म के अंदर। तो इस कन्वर्जन को कौन करेगा? ऑब्वियसली जो हम डिवाइसेस बीच में कनेक्ट करेंगे वो डिवाइसेस इसका ध्यान रखेंगे, इस कन्वर्जन को हमें कैसे करना है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इट डिस्क्राइब्स द ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल मैकेनिकल, सी दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर UGCNET काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, या फिर जो हमारे पास वेरियस PSUs के एग्जामिनेशन आते हैं, तो वहाँ पर वो इन छोटी छोटी चीज़ों को पूछते हैं, जैसे कि जो फिजिकल जो लेयर है वो क्या डिस्क्राइब करता है। फिजिकल लेयर डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल मैकेनिकल फंक्शनल इंटरफेस टू द फिजिकल मीडियम, इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल मैकेनिकल फंक्शनल इंटरफेस टू द फिजिकल मीडियम एंड कैरीज द सिग्नल फॉर ऑल द हायर लेयर्स
ओके सो अब ये जो हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे कि फंक्शनैलिटीज़ में हमने बोला इट इज़ इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और मैकेनिकल और फंक्शनल इंटरफेसेस, ये जो कीवर्ड्स हैं, दिस कीवर्ड्स आर नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस लाइक गेट. गेट एग्जामिनेशन में इसको कभी कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये जो कीवर्ड्स हैं किस तरह के एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर एक एग्जामिनेशन होता है, या फिर हमारे पास UGC नेट एग्जामिनेशन है, या फिर हमारे पास जो स्पेसिफिक PSUs के एग्जामिनेशन है, जो छोटे छोटे एग्जामिनेशन है, जैसे कि DSSB एग्जामिनेशन हैं हमारे पास, या फिर जो अलग अलग जो हमारे एग्जामिनेशन है वहाँ पर दे कैन फोकस ऑन इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फंक्शनल इंटरफेसेस और फोकस ऑन द कीवर्ड्स ऑन अबाउट फिजिकल मीडियम किस तरह की चीज़ों में डील करता है. लेकिन जब आप गेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं देन दे आर मोर कंसर्न अबाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थिंग्स, कि प्रैक्टिकली उन चीज़ों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो उस केस में इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं ये क्वेश्चन को समझने में काफ़ी हेल्प करते हैं. तो ये कीवर्ड्स जो है आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में. तो इसको ऑब्वियसली एक तरह से माइंड में ज़रूर रखना कि ये कीवर्ड्स क्या क्या हैं. फिजिकल लेयर किस में डील करता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल एंड फंक्शनल इंटरफेसेस टू द फिजिकल मीडियम एंड कैरीज अ सिग्नल फॉर ऑल द हायर लेयर्स. तो जो दूसरी ऊपर की जितनी भी लेयर्स हैं वहाँ से हमारे पास जो भी सिग्नल आया है ये उन सिग्नल को कैरी करेगा टू द रिसीवर. सो दैट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल लेयर. ओके अब उसके अंदर हमारे पास एक जो काम है दैट इज़ कॉल्ड एज डेटा एनकोडिंग. दैट मीन्स देखिए, अगर हमारे पास जो ऊपर लेयर से जो हमारे पास डेटा पैकेट्स आएंगे, या फिर अगर आप कह सकते हैं डेटा लिंक लेयर से जो हमारे पास फ्रेम आएगा, दैट फ्रेम इज विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ जीरोज एंड वंस, और यू कैन से दैट फ्रेम विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ बिट्स. अब उस बिट्स को किस तरीके से सिग्नल के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, दैट विल बी टेकन केयर बाय द फिजिकल लेयर. जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, मॉडिफाइज अ सिंपल डिजिटल सिग्नल पैटर्न दैट इज वंस एंड जीरोस यूज्ड बाय द PC टू बेटर एकोमोडेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल मीडियम एंड टू एड इन बिट एंड फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन. ओके सो क्या डिटरमाइन करता है, व्हाट आर द सिग्नल स्टेट रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी वन. अब जैसे कि हमारे पास अगर कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम एनकोडिंग की बात करते हैं. एनकोडिंग तो यहाँ पर दो तरह की एनकोडिंग हमारे पास होती है. पहली है हमारे पास मैनचेस्टर एनकोडिंग एंड सेकेंड है हमारे पास डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, जो कि मोस्टली यहाँ पर यूज़ होती है. ठीक है, हम इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी को हम लोग कवर कर लेते हैं कि थ्योरी में क्या क्या है. तो है क्या, हाउ द रिसीविंग स्टेशन नोज व्हेन व्हाट इज अ बिट टाइम स्टार्ट, दैट मीन्स अभी कोई बिट किस समय पर स्टार्ट हुई है रिसीव होना, और हाउ द रिसीविंग स्टेशन डिलिमिट्स अ फ्रेम, यानी कि एक फ्रेम है, अगर हमारे पास एक फ्रेम आया तो फ्रेम कब फिनिश हो रहा है, फ्रेम डिलिमिटर्स कहाँ पर है. तो वो सब चीज़ें हम लोग फिजिकल लेयर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी हम लोग इसके बारे में भी और डिस्कशन करेंगे. तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको ये सब चीज़ें समझाऊंगा. ठीक है, अब आगे देखिए हमारे पास है फिजिकल लेयर. अब फिजिकल लेयर में होता क्या था, फिजिकल मीडियम अटैचमेंट एकोमोडेटिंग वेरियस पॉसिबिलिटीज इन द मीडियम विल एन एक्सटर्नल ट्रांसमीटर MAU बी यूज्ड टू कनेक्ट टू द मीडियम. क्या हमारे पास एक एक्सटर्नल ट्रांसमिटेबल एक डिवाइस जो है, क्या हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा मीडियम से, फिजिकल मीडियम से कनेक्ट करने के लिए. अगर कनेक्ट करना है तो जो कनेक्टर होगा हमारा उसके अंदर कितनी पिंस होंगी फिजिकली, दैट विल बी डील्ड बाय द फिजिकल लेयर. ओके फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेक करते हैं कि हमारे पास राउटर्स होते हैं, राउटर्स के अंदर हम किस तरह की वायर्स को यूज़ करते हैं, उस वायर के अंदर किस तरह की पिंस यूज़ होंगी, तो वो सब चीज़ें कौन डील करेगा, दैट विल बी डील्ड बाय द फिजिकल लेयर. ओके अब जो हमारे ट्रांसमिशन टेक्निक्स है, कौन कौन सी ट्रांसमिशन टेक्निक्स है, जैसे कि हमारे पास एक बेस बैंड ट्रांसमिशन टेक्निक है विच इज़ डिजिटल, और उसी तरीके से हमारे पास एक ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन टेक्निक है दैट इज़ एनालॉग. तो डिटरमाइंस वेदर द एनकोडेड बिट्स विल बी ट्रांसमिटेड बाय द बेस बैंड और द ब्रॉड बैंड, किस तरह की ट्रांसमिशन टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो कौन डिटरमाइन करेगा, दैट विल बी इन द फिजिकल लेयर. ओके और तीसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास फिजिकल मीडियम ट्रांसमिशन ट्रांसमिट्स बिट्स एज इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल अप्रोप्रिएट फॉर द फिजिकल मीडियम एंड डिटरमाइंस व्हाट फिजिकल मीडियम ऑप्शंस कैन बी यूज्ड एंड सेकेंडली हाउ मेनी वोल्ट्स शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ गिवन सिग्नल यूजिंग अ गिवन फिजिकल मीडिया. यानी कि अगर आपके पास कोई सिग्नल है, जैसे कि हमारे पास एक डेटा है 110 1101, अब इसके अंदर 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितनी वोल्ट्स का यूज़ करेंगे, इट कैन बी +5 वोल्ट,
ठीक है, या फिर हम जीरो को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए कितने वोल्ट्स का रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हमारे पास हो सकता है प्लस 2.5 वोल्ट्स, तो वन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितने वोल्ट्स का यूज़ करेंगे और जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने वोल्ट्स का यूज़ करेंगे, दैट विल ऑल्सो बी डेल्ट बाय द फिजिकल मीडियम। ओके, तो एक तरीके से हम लोग फिजिकल मीडियम में क्या क्या डिस्कस, क्या क्या हम लोग किस किस चीज़ों का ध्यान हमने रखा हुआ है, यानी कि फिजिकल मीडियम क्या क्या डील करेगा, उसका एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं दोबारा से। देखिए, जो फिजिकल मीडियम है वो क्या क्या डील करता है, सबसे पहली चीज़ है ये डील करता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फंक्शनल एंड प्रोसीजरल करेक्टरिस्टिक्स, एंड प्रोसीजरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल लिंक। ओके, अब जो फिजिकल लिंक है वो किसी भी तरह का हो सकता है। नंबर वन, इट कैन बी अ कॉपर वायर, इट कैन बी अ कॉपर वायर। अगर फिजिकल मीडियम हमारे पास कॉपर वायर है, यानी कि जो हमारे पास मैसेजेस आएंगे उन मैसेजेस को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, दैट विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नंबर टू, अगर हमारे पास जो मीडियम है वो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, तो ऑप्टिकल फाइबर के केस में हम सिग्नल्स को कन्वर्ट करेंगे लाइट की फॉर्म में। तो अगर हमारे पास कोई सिग्नल आया है तो उस सिग्नल को हम कन्वर्ट करेंगे लाइट की फॉर्म में। अगर हमारे पास वायरलेस मीडिया है तो वायरलेस मीडिया के केस में हम सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। ओके, सो ये पहली चीज़ है। दूसरा, अगर आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं यूजिंग फिजिकल मीडिया, तो जो हमारे ट्रांसमिशन मोड है, ट्रांसमिशन मोड है वो किस किस तरह के हो सकते हैं, किस किस तरह के ट्रांसमिशन मोड्स हो सकते हैं। सी, ये जो हमारे पास जो पहला हमने बोला कि कौन सी वायर है, इज इट वायरलेस, इज इट ऑप्टिकल फाइबर और इज इट कॉपर फाइबर, तो किस तरह की वायर है वो, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स, और इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स, दिस इज स्पेसिफाइंग द इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स। अब जो दूसरी हमारे पास है फंक्शनल, तो पहला क्या था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट मैकेनिकल, और दूसरी जो हमारी फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि किस तरीके से सिग्नल यहाँ पर ट्रांसमिट होगा, किस तरह से फंक्शन होगा, वो हमारे ट्रांसमिशन मोड स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि इट इज डीलिंग विद अ फंक्शनल करेक्टरिस्टिक। ट्रांसमिशन मोड कौन से हो सकते हैं हमारे पास, नंबर वन इट कैन बी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, नंबर टू इट कैन बी हाफ ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, नंबर थ्री इट कैन बी फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। सबसे पहला सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड होता क्या है, देखिए अगर आप याद करेंगे तो हमारे पास रेडियोज होते हैं, तो रेडियो टावर्स में अगर आप यूज़ भी करते थे, DD1 एक चैनल आता था हमारे पास, तो उसके लिए हम एंटीनाज लगाते थे और एंटीनाज उस सिग्नल को रिसीव करता था। तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड क्या होता है कि एक हमारे पास सेंडर होता है और हमारे पास रिसीवर होगा, रिसीवर एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा रिसीवर भी हो सकते हैं। तो सिंपलेस्ट ट्रांसमिशन मोड में सेंडर ओनली सेंड द डेटा एंड रिसीवर जस्ट रिसीव द डेटा, रिसीवर सेंडर को डेटा दोबारा से वापस सेंड नहीं कर सकता, ओनली सेंडर इज गोइंग टू ट्रांसमिट द डेटा, रिसीवर इज ऑलवेज गोइंग टू रिसीव द डेटा, जिस तरीके से रेडियोज के केस में होता है। अगर आप रेडियोज सुनेंगे तो आप रेडियो के केस में आप सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं लेकिन सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है कि सेंडर और रिसीवर ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को डेटा सेंड कर पाएंगे, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन डेटा सेंड करेगा, आइदर सेंडर इज गोइंग टू सेंड द डेटा टू द रिसीवर और रिसीवर इज गोइंग टू सेंड द डेटा टू द सेंडर, वन पर्सन एट ए टाइम। जिस तरीके से हमारे पास वॉकी टॉकी होता है, तो वॉकी टॉकीज के केस में जो सिग्नल है हम उसको एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन की तरफ ट्रांसमिट कर पाते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारा पास कम्युनिकेशन है दैट इज कॉल्ड एज ए हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, यानी कि वी कैन सेंड द मैसेज बट वन वे एट ए टाइम, द मैसेज कैन बी सेंट वन वे एट अ टाइम, ओके। और तीसरा है हमारे पास फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को एक ही टाइम पर पैरेलली डेटा सेंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए फुल ड्यूप्लेक्स चैनल, ओके। सो ट्रांसमिशन मोड कैसा है, आइदर इट इज सिंप्लेक्स और इट इज हाफ ड्यूप्लेक्स और इट इज फुल ड्यूप्लेक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल करेक्टरिस्टिक ऑफ द चैनल। अब इसमें एक और चीज़ है हमारे पास कि हमारे पास जो फिजिकल मीडिया है
जो हमारे पास फिजिकल लेयर है दैट ऑल्सो डील्स विद टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क, ऑल्सो डील्स विद द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क. जैसे कि हमारे पास टोपोलॉजी क्या है, वेदर इट इज़ अ बस टोपोलॉजी कि सिस्टम्स हमारे पास बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, और वेदर इट इज़ अ स्टार टोपोलॉजी कि सिस्टम हमारे पास स्टार टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, वेदर इट इज़ अ मेश टोपोलॉजी कि सिस्टम हमारे पास मेश टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, और किस तरह की टोपोलॉजी होगी, वेदर इट इज़ अ रिंग टोपोलॉजी, तो किस तरीके से टोपोलॉजी से हमने सिस्टम्स को कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो डेल्ट बाय द फिजिकल लेयर. ओके, उसके बाद हमारे पास जो एनकोडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल इस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करेंगे तो किस तरह की हम एनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो डेल्ट बाय द फिजिकल मीडिया. जैसे कि हम वी कैन यूज़ ए मैनचेस्टर एनकोडिंग और वी कैन यूज़ ए डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग. अभी मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग होती क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं व्हाट इज़ ए मैनचेस्टर एनकोडिंग. व्हाट इज़ ए मैनचेस्टर एनकोडिंग, ठीक है. मैनचेस्टर एनकोडिंग होता क्या है, इट इज़ अगर हमें किसी सिग्नल में वन को रिप्रेजेंट करना है देन वन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेव एंड जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेव. अब जैसे कि अगर मुझे किसी मैसेज, फॉर एग्जांपल हमें एक मैसेज सेंड करना है 1010, अभी 1010 मैसेज किस तरीके से सेंड होगा, फॉर वन वी आर गोइंग टू यूज दिस, फॉर जीरो वी आर गोइंग टू यूज दिस, अगेन फॉर वन वी आर गोइंग टू यूज दिस सिग्नल, एंड फॉर जीरो अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस सिग्नल. सो 1010 कैन बी ट्रांसमिटेड लाइक दिस इन द नेटवर्क. ओके, सो दिस इज मैनचेस्टर एनकोडिंग. सेकेंडली इफ यू यूज डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग. सो इन केस ऑफ डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग अ जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस और इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एंड वन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस और इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस. दिस आर टू फॉर्म्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सेम मैसेज ट्रांसमिट करना है, जैसे कि मैसेज है हमारे पास 1010, तो इस मैसेज के लिए फॉर वन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस. ओके, तो अगर हमने पहले इसको यूज़ किया तो हमारे पास वन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर हमारे पास आता है ज़ीरो. अब इस ज़ीरो के लिए हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे तो ज़ीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग ज़ीरो. उसके बाद हमारे पास दोबारा से जब हमारे पास वन आएगा तो वन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस और दिस. तो यहाँ पर बिकॉज ये सिग्नल नीचे एंड हो रहा है तो वी आर गोइंग टू यूज दिस, तो वन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ओके, और फिर उसके बाद हमारे पास फिर से अगर ज़ीरो आएगा तो वी आर गोइंग टू यूज दिस वन, तो दिस ज़ीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. तो ये जो सिग्नल यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ, दिस इज 1010, और आपने इसको किस तरीके से वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज एनकोडिंग. तो हमारे पास दो तरह की एनकोडिंग होगी, पहली मैनचेस्टर एनकोडिंग, दूसरी होगी हमारे पास डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग. ओके, तो इसमें दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ही ध्यान देने की है. सबसे पहली है हमारे पास व्हाट इज अ बॉड रेट, हमारे पास बॉड रेट क्या होता है, एंड सेकेंड इज व्हाट इज अ बिट रेट, एक बिट रेट हमारे पास क्या होता है. देखो बॉड रेट क्या होता है, इस द नंबर ऑफ वोल्टेजेस चेंजिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड एज अ बॉड रेट. सो यू कैन से नंबर ऑफ वोल्टेजेस दैट आर चेंजिंग पर सेकेंड और द नंबर ऑफ वोल्टेजेस दैट आर सेंट पर सेकेंड और नंबर ऑफ वोल्टेजेस that are sent per second is called as a baud rate. और bit rate क्या होता है, it is a number of bits that are sent per second, number of bits that are sent per second is called as a bit rate, is called as a bit rate. So in all हमने जब अब तक हमने जो physical media के अंदर हमने discussion किया है, तो physical media ने किस किस चीज़ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फिजिकल मीडियम की. नंबर वन, इट डील्स विद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसे कि हमारे पास कौन सा मीडियम है. सेकेंडली, इट डील्स विद द फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमारे पास कौन सा ट्रांसमिशन मोड है. एंड थर्ड, इट डील्स विद द प्रोसीजरल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमारे पास किस तरह की एनकोडिंग टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं. और ये जो टोपोलॉजी है, दिस इज अ मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक, दिस इज अ मैकेनिकल
characteristics. So this is about the physical media. Now let us look at the points that we have discussed earlier. दोबारा से हम उन्हीं पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी हमने डिस्कस किया था. सबसे पहले मैंने बताया कि फिजिकल लेयर एक लोएस्ट लेयर है ओएसआई आईएसओ ओएसआई की, जो कि ट्रांसमिशन रिसेप्शन के बारे में ट्रांसमिशन रिसेप्शन अनस्ट्रक्चर्ड रॉ बिट स्ट्रीम के बारे में कंसर्न है. इट इज़ कंसर्न अबाउट द ट्रांसमिशन एंड अनस्ट्रक्चर्ड रॉ बिट स्ट्रीम. दूसरा, इट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स. तीसरा, किस तरह से डेटा इनकोड होगा. सो इट डील्स विद द डेटा इनकोडिंग टेक्निक्स. अगर डेटा इनकोडिंग हो गई तो उस केस में एक वन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और एक जीरो को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. और जो हमारे पास रिसीविंग फ्रेम है, अगर फॉर एग्जांपल ये फ्रेम हमारे पास रिसीव हुआ तो फ्रेम कहाँ पर ख़त्म हुआ है, यानी कि फ्रेम डीलिमिटर्स, उसके बारे में भी हमारे पास फिजिकल लेयर विल बी कंसर्न अबाउट द फ्रेम डीलिमिटर्स. ओके, सेकेंडली जो फिजिकल लेयर है दैट ऑल्सो डील्स विद ऑल द हार्डवेयर दैट वी आर गोइंग टू यूज़. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डेटा लिंक लेयर.